12,000 रुपया। दोस्तों पेंशन का पैसा यहाँ पर 12,000 रुपया डाल दिया गया है। 12 महीने से पैसा जो रुका हुआ था उनको 12,000 रुपया आपके बैंक आधार लिंक खाते में यहाँ पर दोस्तों पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। तभी तो कहता हूँ दोस्तों आधार कार्ड दोस्तों अपने बैंक खाते से यहाँ पर अवश्य लिंक करें। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 8,000 रुपया देख सकते हैं, इनको भी दोस्तों आधार लिंक बैंक खाते में पेंशन 8,000 रुपये की सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र कर दी गई है। 8 महीने से पेंशन रुकी हुई है, उनको भी यहाँ पर दोस्तों पेंशन का पैसा यहाँ पर रिसीव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों पेंशन का जो पैसा 8,000 रुपया मिला है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 3,000 रुपया 3 महीने से जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई है उनके भी बैंक खाते में दोस्तों आधार लिंक बैंक खाते में यहाँ पर दोस्तों डाल दिया गया है पैसा 3,000 रुपया। तभी तो यहाँ पर दोस्तों आपको आधार शीडिंग करानी अति आवश्यक है, तो अवश्य अपना आधार शीडिंग दोस्तों कराएं 3,000 रुपया। मित्रों देश के समस्त पेंशन धारकों के लिए सरकार ने जो पेंशन का पैसा है वो जारी कर दिया गया है। तो जैसा कि इन पेंशन धारकों को दोस्तों इस बार रुका हुआ पैसा था वो भी उनके अकाउंट में दोस्तों सीधे DBT के माध्यम से उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा डाल दिया गया है। तो जैसा कि दोस्तों जिन लोगों का पैसा 3 महीने से रुका हुआ था तो उन्हें यहाँ पर 3,000 रुपया दिया गया है, और जिन लोगों का पेंशन यहाँ पर दोस्तों 6 महीने से नहीं आया था तो उन लोगों को यहाँ पर दोस्तों 6,000 रुपया सरकार द्वारा डाल दिया गया है, और जिन लोगों का पेंशन दोस्तों 12 महीने से नहीं मिला है उन्हें यहाँ पर सरकार द्वारा 12,000 रुपया उनके बैंक खाते में भेजा गया है। और जिन लोगों को दोस्तों पेंशन का पैसा अभी तक जैसा कि यहाँ पर 8 महीने से उनकी पेंशन नहीं मिली है तो उनको भी यहाँ पर दोस्तों 8,000 रुपये की धनराशि दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों जिन पेंशन धारकों को यहाँ पर अभी जो पेंशन का पैसा नहीं मिला है तो वह अभी अपना EKYC पेंशन का अवश्य करा लें, और यहाँ पर दोस्तों आधार शीडिंग भी यहाँ पर कराना अनिवार्य है। तो जैसा कि दोस्तों जिन पेंशन धारकों का पैसा आया है तो आपको दोस्तों करना क्या है, अपने गूगल ब्राउज़र में दोस्तों जो पैसा देखने के लिए डालना है, मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ डाल देता हूँ SSPY। अब ये डालकर दोस्तों आपने गूगल ब्राउज़र में सर्च कीजिएगा, अब वेबसाइट खुलेगी दोस्तों upssp.gov.in। अब यहाँ पर दोस्तों इसी वाली वेबसाइट पर दोस्तों क्लिक कर देना है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आप मोबाइल में दोस्तों खोल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से खुल जाएगी दोस्तों, रोटेट मोड में दोस्तों आप यहां पर खोलें। अब यहां पर दोस्तों पेज इस प्रकार से खुल गया, अब आपको दोस्तों थोड़ा नीचे आना है। अब यहां पर नीचे आएंगे तो आपको यहां पर दोस्तों कई प्रकार की पेंशन दिखेंगी, वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन। तो हम यहां पर दोस्तों कोई भी एक पेंशन यहां पर दोस्तों ओपन कर लेते हैं, जैसा कि अभी यहां पर दोस्तों मैं वृद्धा पेंशन ओपन करूँगा। योजना के विषय पर क्लिक करेंगे, अब योजना के विषय पर दोस्तों हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो पेंशन का यहाँ पर दोस्तों फॉर्म है यहाँ पर दोस्तों जैसे कि लिस्ट वगैरह यहाँ पर दोस्तों पूरी मैं आपको जो है लिस्ट बाय लिस्ट ग्राम बार ग्राम यहाँ पर दोस्तों दिखाऊंगा बाय डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों अभी सर्वर का थोड़ा इशू आ रहा है। हाँ, अब यहाँ पर दोस्तों फॉर्म खुल गया है। अगर आप दोस्तों नया फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आवेदन के लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन भी कर सकते हैं, पात्रता भी यहाँ पर जान सकते हैं, योजना के विषय में दोस्तों सब कुछ दिया गया है। थोड़ा नीचे आएंगे, पेंशनर सूची 2023-24 क्लिक कर देते हैं। हाँ, अब अपना दोस्तों डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, जिस दोस्तों ज़िले से आप आते हैं वह ज़िला आपको यहाँ पर चूज करना रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना ब्लॉक चुनेंगे, विकास खंड चुनने के बाद में आपको दोस्तों अपना ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप मोबाइल में कार्य कर पाएंगे। अब ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैसा है यहाँ पर दोस्तों उन पेंशन धारकों को यहाँ पर दोस्तों पूरी अमाउंट राशि आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर दोस्तों गांव बार बाँव देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पैसा यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि 11,71,000 रुपया सरकार द्वारा यहाँ पर दोस्तों इस ग्राम पंचायत में भेजा गया है। तो बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर भेजा गया है। अब पेंशनर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों टोटल पेंशनर हैं 371
तो 371 में दोस्तों अब हम यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं पहले कुल पेंसर थे यहाँ पर 302, फिर 302 रह गए दोस्तों यहाँ पर कुल पेंसर। अब क्वार्टरली में आप देखें दोस्तों 308 हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वार्टर फोर में आते हैं दोस्तों 317। अब 317 पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर चेक करेंगे पैसा। तो पैसा चेक करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर आना है धनराशि में। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपको रकम यहाँ पर दोस्तों पूरी की पूरी यहाँ पर दिख जाएगी। जिन लोगों का पेंशन यहाँ पर दोस्तों 3 महीने से रुका हुआ उनको 3000 रुपया आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धा पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी पेंशन 3000 रुपया, फिर 3000 रुपया, 3000 रुपया, 3000 रुपया दोस्तों इनकी भी यहाँ पर दोस्तों 3000 रुपया दी गई है। 12000 रुपया देख सकते हैं दोस्तों, 12000 रुपया पेंशन इन्हें दी गई है। 12000 रुपये का दोस्तों इन्हें लाभ सीधा इनके आधार लिंक बैंक खाते में दी गई है। इसीलिए कहता हूं दोस्तों आधार लिंक करा लें अपना बैंक खाते में, आधार DPT से पैसा यहां पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। 12000 रुपया, 3000 रुपया, 3000 रुपया, 3000 रुपया, 3000 रुपया दोस्तों। और आपको यहाँ पर दोस्तों आगे ले चलता हूँ, बहुत बड़ी लिस्ट है यहाँ पर दोस्तों। पैसा यहाँ पर दोस्तों सभी के खाते में यहाँ पर भेज दिया गया है। रुका हुआ पेंशन दोस्तों सभी को यहाँ पर उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किया गया है सरकार द्वारा। योजना का दोस्तों लाभ लेने के लिए आधार अपने बैंक खाते में अवश्य लगाएं। अब यहाँ पर फिर देख सकते हैं फिर 12000 रुपया, 12 महीने से पेंशन रुका हुआ था, 12000 रुपया दोस्तों मिल गया है। 1000 रुपया दोस्तों, 1000 रुपया आप देख सकते हैं, 1 महीने का पेंशन भी दोस्तों इनके खाते में डाल दिया गया है। 3000 रुपया, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ और नीचे लेके चलता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारी धनराशि दोस्तों आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर दोस्तों तो देख सकते हैं दोस्तों आप पेंशन का पैसा, यहाँ पर काफ़ी पेंशन उनके खाते में यहाँ पर दोस्तों भेजी गई है। तो 3000 रुपया दोस्तों यहाँ पर सभी खाते में भेजा गया है। 1000 रुपये दोस्तों उन पेंशनरों को यहाँ पर भेजा गया है जिन पेंशन धारकों की पेंशन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रुकी हुई थी 1 महीने से। अब देख सकते हैं 8000 रुपया, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर 8000 रुपया यानी दोस्तों उनके बैंक खाते में सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र कर दिया गया है आधार लिंक बैंक खाते पर। तो आप देख सकते हैं 8000 रुपया भी दोस्तों इन्हें जो है मिल चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना बैंक में आधार कार्ड लगवाएं और पेंशन का पैसा यहां पर दोस्तों जल्द से जल्द दें। पैसा नहीं आ रहा है तो दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप खाता खुलवा लें, आपका पैसा यहां पर दोस्तों उस बैंक में जो है भेज दिया जाएगा। किसी प्रकार का दोस्तों सवाल है आप सवाल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को दोस्तों नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।